किस विषय पर वाद विवाद चल रहा है पिताश्री? कुछ नहीं पुत्र, समाचार मिला है कि पुत्र भीम के घर पौत्र ने जन्म लिया। तो द्युत क्रीड़ा के कारण पुत्र भीम अपने पौत्र को देखने नहीं जा पा रहा। तो ये कौन सा चिंता का विषय है पिताश्री? पौत्र तो आ ही चुका है, भीम अपने पौत्र को देखने द्युत के बाद भी तो जा सकता है। लेकिन पुत्र, हम सोच रहे थे यदि द्युत क्रीड़ा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती तो पुत्र भीम को अपना पौत्र देखने का अवसर मिल जाता। क्यों स्थगित कर दी जाए द्युत क्रीड़ा? इसलिए स्थगित कर दी जाए पुत्र कि परिवार में पहला पर पुत्र हुआ है, इसलिए सारे परिवार को एकत्र होना चाहिए। संसार में आए दिन अनगिनत शिशु जन्म लेते हैं माताश्री, परंतु उनके कारण संसार का सारा काम काज स्थगित तो नहीं कर दिया जाता। किंतु पुत्र, किंतु विंतु कुछ नहीं काकाश्री। संसार चाहे इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, परंतु द्युत क्रीड़ा नहीं टल सकती। हाँ, यदि पांडव चाहे तो अपने हर्ष को बहाना बनाकर द्युत क्रीड़ा स्थगित कर सकते हैं, अपने शिशु के जन्म का उत्सव मनाए ना है द्युत क्रीड़ा में। परंतु ये कैसे संभव है प्रिय भांजे? वे लोग भी तो क्षत्रिय हैं, अपने धर्म को वे लोग भी नहीं तोड़ेंगे। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि किसी का जन्म ही तो हुआ है, कोई मृत्यु थोड़े हुई है। और जन्म तो स्वयं एक उत्सव होता है, और ऐसे उत्सव को मनाने के लिए तो द्युत क्रीड़ा का आयोजन और भी बड़े स्तर पे होना चाहिए, है ना भांजे? पिताश्री, मामा श्री का परामर्श सही है। द्युत क्रीड़ा को स्थगित करने का परामर्श देने वाले सुन ले, द्युत क्रीड़ा होगी और वो भी अपने निर्धारित समय पर। दुर्योधन अभिमान से ठुकराता है प्यार, उसके मन पर द्युत है बन कर भूत सवार, बन कर भूत सवार।